हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप खंडेलवाल फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने जो पिछला क्लास हुई थी उसमें अपन ने पढ़ाया था कि क्या पढ़ा था कि थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम कौन सी थी अपने पास, थेवेनिन सर्किट की, यानी थेवेनिन्स थ्योरम थी। अब थेवेनिन के बाद अपनी जो 5 नंबर की थ्योरम आती है, जो उसके नेक्स्ट वाली थ्योरम आती है, वो अपने पास आती है नॉर्टन प्रमेय। यानी नॉर्टन प्रमेय किसे कहते हैं, नॉर्टन प्रमेय में क्या चीज़ होती है। जैसे थेवेनिन, अगर आपको थेवेनिन अच्छे से समझ में आई है तो नॉर्टन भी क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो थेवेनिन और नॉर्टन की अपने पास एक दूसरे के मतलब ऐसे ही मानो कि नॉर्टन थ्योरम है वो क्या, थेवेनिन का ही एक तरह से रूप है। तो देखो, थेवेनिन में क्या किया था अपन ने, थेवेनिन में जो अपन ने जो सर्किट थेवेनिन का सर्किट डायग्राम बनाया था, वो कैसे बनाया था अपन ने, थेवेनिन का बनाया था कि सबसे पहले तो क्या लिया था अपन ने, जेड ई क्यू लिया था। यहाँ पे जेड ई क्यू के बाद यहाँ पे क्या लिया था, ई ई क्यू लिया था। और उसके बाद क्या लिया था, यहाँ पे जो लोड लग रहा था वो जेड एल लोड लग रहा था। तो यहाँ पे इस तरह से सर्किट था, कौन सा ये वाला सर्किट कौन सा था अपने पास, थेवेनिन था। अब अपन बात करते हैं आज नॉर्टन की। जब नॉर्टन थ्योरम है तो इसका भी नॉर्टन सर्किट भी बनेगा। तो नॉर्टन सर्किट में एक डिफरेंस क्या आएगा, देखो डिफरेंस ये आएगा कि अपने पास एक तो जेड ई क्यू है और ई क्यू क्यू, आइए एक कौन सा है अपने पास, ई ई क्यू। डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे जो जेड ई क्यू है, यहाँ पे भी जो नॉर्टन बनेगा तो रहेगा तो अपने पास क्या, जेड ई क्यू ही रहेगा। अब जब यहाँ पे कौन सा था अपने पास, ई ई क्यू था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की जगह आई ई क्यू हो जाएगा। और सर्किट में डिफरेंस क्या आएगा, सर्किट में डिफरेंस ये आएगा कि अब जो जेड ई क्यू इसके रेस्पेक्ट में कैसा जड़ा हुआ था, कैसे ऐड था सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वो कैसे ऐड हो जाएगा अपने पास पैरेलल में। यदि मैं इस का सर्किट बनाऊँ, यदि नॉर्टन सर्किट बनाते हैं अपन, तो थेवेनिन की थ्योरम से नॉर्टन सर्किट कैसे बनेगा अपना, ये आई ई क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास इसका जेड एल लोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास इसका जो जेड ई क्यू है वो क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। यानी डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जो जेड ई क्यू यहाँ पे था वो कैसा था, सीरीज में था, अब यहाँ पे कैसा हो गया, पैरेलल में हो गया, ये डिफरेंस आएगा। और बाकी जो ई ई क्यू था उसकी जगह क्या आ जाएगा अपने पास, आई ई क्यू आ जाएगा। तो केवल ये डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि नॉर्टन प्रमेय कहते किसे, क्या कथन है इसका। तो यदि स्टेटमेंट की बात करें तो नॉर्टन प्रमेय में सबसे पहले तो अपन बात करें तो देखो, थेवेनिन में किसकी बात कर रहे थे अपन, टू टर्मिनल की, यानी टू टर्मिनल की बात कर रहे थे, यानी द्वि टर्मिनल जाल में। तो थेवेनिन में भी क्या था, अपन ने द्वि टर्मिनल ही देखा था, इसमें भी क्या होना चाहिए, टू टर्मिनल होना चाहिए। फिर उसमें बात की थी द्वि टर्मिनल में जो रिप्लेस करते हैं तो उसको किससे रिप्लेस करते हैं, जो वोल्टेज होता है उसको तो ईक्यू से, और जो इम्पीडेंस है उसको किससे रिप्लेस करते हैं अपन, जेड ई क्यू से, इसी से रिप्लेस किया था। यानी ये क्या थी अपने पास, तुल्य वोल्टता और तुल्य प्रतिबाधा, यानी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो यहाँ पे जो अपने पास रिप्लेस किया था, यानी जो भी सर्किट डायग्राम होता था उसमें जो इम्पीडेंस होती थी उसको तो अपन जेड से रिप्लेस करते थे, जो वोल्टेज होता था उसको ई ई क्यू से रिप्लेस करते थे। ऐसे ही अपने पास सेम डायग्राम रहेगा। अब यदि नॉर्टन में बात करें, ये तो किसमें था, थेवेनिन के अंदर था। अब अपन बात करें कि यदि नॉर्टन में बात करें तो नॉर्टन में क्या होगा अपने पास, नॉर्टन में ये होगा कि इसमें भी क्या रहेगा, टू टर्मिनल ही रहेगा। तो एक तो टर्मिनल कैसा रहना चाहिए अपने पास, टू टर्मिनल, पर इसमें डिफरेंस क्या आएगा, जो ई ई क्यू है वो क्या रहेगा अपने पास, आई ई क्यू हो जाएगा। और ये जेड ई कैसा था, सीरीज में था, और ये कैसा जो हो जाएगा अपने पास, पैरेलल में। तो देखो इससे अपन क्या कह सकते हैं, इसका अपन कथन लिख सकते हैं कि एक द्वि टर्मिनल जाल में, एक द्वि टर्मिनल जाल में धारा स्रोत और प्रतिबाधा को, धारा स्रोत और प्रतिबाधा को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो वही क्या होती है अपना, नॉर्टन परिपथ होता है या नॉर्टन प्रमेय होती है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो अपने पास सर्किट डायग्राम बनेगा उसमें आई ई क्यू धारा स्रोत हो जाएगा, जेड ई क्यू हो जाएगा अपना इम्पीडेंस हो जाएगा, कौन सा इम्पीडेंस, इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिबाधा। तो अपन बात करते हैं तो ये तो क्या उसका जाएगा, अपन कह सकते हैं कि द्वि टर्मिनल जाल में यदि किसी वोल्टा स्रोत को क्या करें अपन, धारा स्रोत में परिवर्तित करें और जो प्रतिबाधा थी उसको तुल्य प्रतिबाधा के रूप में प्रतिस्थापित कर दे, या तो वो क्या होगी अपने पास, नॉर्टन प्रमेय। अब देखो सबसे पहले अपन को देखना है कि अपने पास ये धारा स्रोत यानी आई ई क्यू है, ये कैसे निकलेगा, ये अपन ने क्या निकाला था, ई ई क्यू और जेड ई क्यू तो अपन ने क्या किया था, कल निकाल लिया था। अब अपन बात करते हैं आई ई क्यू कैसे निकलेगा। तो आई ई क्यू निकालने के लिए क्या करता है, जो सर्किट होता है उसको आपको कैसा करना है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट यानी जहाँ पे जो लोड लगा हुआ होता है यानी जेड एल होता है उसको कितना करना है अपन को, जीरो कर लेना है। तो यही चीज है इसमें। तो डिफरेंस क्या आएगा अपने पास कि जो आई ई क्यू की आप वैल्यू निकालोगे, आई ई क्यू की वैल्यू निकालने के लिए जेड एल इक्वल टू कितना करना है अपन को, जीरो करना है। तो ये इस थ्योरम का कंसेप्ट है। अब इस थ्योरम को अपन क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। तो प्रूफ किसकी सहायता से होगी, ये जो थेवेनिन का सर्किट डायग्राम था उसी की सहायता से प्रूफ होगी, या उसी की हेल्प से क्या होगी, प्रूफ होगी। तो इसका आप कथन लिख सकते हो आसानी से कि एक द्वि
वी टर्मिनल जाल होता है, उसमें क्या होता है, ये धारा स्रोत और प्रतिबाधा को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और उसकी आंतरिक प्रतिबाधा जो अन्य वोल्टता स्रोत है उनको आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित या आंतरिक प्रतिरोध से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो वैसे इस थ्योरम के जो नोट्स है वो आपको वीडियो के एंड में कंप्लीट स्टेप टू स्टेप मिल जाएंगे। तो एक बार आपको समझना है, केवल डेरिवेशन देखना है कैसे क्या स्टेप सॉल्व होती है, फिर अपन आंसर को नोट्स के फॉर्म में देखेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास, डिफरेंस केवल यही आएगा थेवेनिन और नॉर्टन में कि ये इसमें ई क्यू जेड क्यू था, इसमें आई ई क्यू और जेड क्यू रहेगा, ये जेड क्यू सीरीज में था इसके रेस्पेक्ट में, और ये कैसा जोड़ना है अपन को पैरेलल में जोड़ना है, बस ये वाला डिफरेंस रखना है। तो यदि मैं थेवेनिन की बात करूँ, यदि मैं मान लेता हूँ कि देखो सबसे पहले मैं दोनों डायग्राम बना देता हूँ, जो अपने पास डायग्राम है ये वाला कौन सा है, अपने पास जेड ई क्यू हो गया, ये ई क्यू हो गया, ये क्या हो गया अपने पास जेड एल हो गया। तो ये तो कौन सा सर्किट हो गया अपने पास, जो करंट आ रही है वो मान ले कि आई एल आ रही है, तो ये कौन सा सर्किट है अपने पास, थेवेनिन सर्किट है। अब यदि मैं बात करूँ इसी को मैं क्या करता हूँ नॉर्टन में रिप्लेस करता हूँ, तो नॉर्टन में रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, देखो ये क्या हो जाएगा अपना आई क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना जेड एल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना जो पैर जेड ई क्यू था वो कहाँ जुड़ जाएगा अपना, यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये वाली चीज हो जाएगी। तो ये कौन सा सर्किट हो जाएगा अपने पास, नॉर्टन सर्किट हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि थेवेनिन से क्या बनाया अपन ने, नॉर्टन बनाया, जो ई क्यू था उसको कहाँ पे रिप्लेस कर दिया, आई ई क्यू में, जो जेड ई क्यू था सीरीज में वो कैसा बना दिया अपन ने, पैरेलल में। अब यदि आई ई क्यू निकालना हो तो अपन देखते हैं कि आई ई क्यू कब निकलेगा, जब अपन क्या करते हैं इसके टर्मिनल को, यानी मान लिया कि यहाँ पे ये टर्मिनल था, ये मान लिया कि ए और बी क्या थे, टू टर्मिनल थे, तो यहाँ पे भी क्या है, ए और बी टू टर्मिनल है, तो ये क्या हो गया, दोनों टर्मिनल को शॉर्ट, शॉर्ट का मीनिंग होता है कि इस दोनों को जोड़ देना है, यानी जेड एल को यहाँ से हटा ही देना है, यानी जेड एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो उसे कहते हैं लघुपतित करना या शॉर्ट करना। तो यदि अपन बात करें, यदि इसमें मैं करंट निकालता हूँ कि अपने पास जो जेड एल में करंट आएगी वो कितनी आएगी, तो देखिए वो करंट कितनी आएगी, धारा विभाजन बताया था मैंने कल कि धारा का विभाजन नियम क्या कहता है, धारा विभाजन नियम से, यानी करंट डिवाइडेशन रूल क्या कहता है, अपन को करंट कहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है, यानी जो आई एल आ रही है वो निकालनी है अपन को। तो देखो आई एल कैसे निकलेगी, आई एल इज इक्वल टू यहाँ पे जो करंट निकालनी है, यहाँ पे करंट निकालनी है, मतलब जब करंट की बात हो रही है तो कौन सा इंपिडेंस ऊपर आएगा, उसके ऑपोजिट वाला है, यानी इसके साथ कौन सा, जेड ई क्यू, तो जेड ई क्यू तो कहाँ आएगा अपने पास, ऊपर आएगा। फिर क्या आएगा अपने पास, जो नीचे आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का एड आएगा, यानी जेड ई क्यू प्लस का जेड एल आएगा, और साथ में जो वोल्टेज होता था तो इनटू वी आता था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई ई क्यू आ जाएगा। तो जो नॉर्टन का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, अपन को क्या करना होता है, यही क्या कहलाता है अपना, नॉर्टन प्रमेय का व्यंजक कहलाता है, नॉर्टन प्रमेय का क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। यानी क्या किया इसमें, देखो करंट डिवाइडेशन रूल लगाया, करंट डिवाइडेशन अपन को यहाँ पे करंट निकालनी है, आई एल लिख दिया, यहाँ पे जब करंट निकालना होता है तो उसका जो साथ वाला इंपिडेंस होता है वो ऊपर आता है, तो जेड ई क्यू कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, अपॉन में जेड ई क्यू प्लस का जेड एल इंटू क्या हो गया, आई ई क्यू। तो अब इसमें किसी भी सर्किट में आप जेड ई क्यू तो निकालना आपको आता ही, जो अपन ने कल निकाला था उस तरह से निकाल सकते हो, आई ई क्यू आपको आज निकालना बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो ये वाला क्या अपन को फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो ये सब क्या था अपने पास, तो एक बार तो इसको भी जैसे नोट्स में मिल जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई जरूरी नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि इसी को प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करें, तो देखो प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम बना देते हैं, सर्किट डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे अपन, जो चीज डेरिवेशन होगी वो सब निकालेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रूफ, प्रूफ में क्या करना है, आपको लिख देना है कि प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, प्रूफ कैसे करना है, यानी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जो अपन काम में लेते हैं वो कौन सी काम में लेते हैं, थेवेनिन थ्योरम काम में लेते हैं। तो थेवेनिन का सर्किट बना दिया मैंने, ये थेवेनिन सर्किट हो गया, ये ई क्यू हो गया, ये जेड एल हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या माना था कि यहाँ पे मैं मान लू कि ये वाला कि आपके पास आई है, ठीक है, आई निकालना है। अब यहाँ पे मान लिया कि आई एल मानो या आई मानो, क्या मानते हो आप, यदि आई एल मानना चाहो तो आई एल मानो, आई मानना चाहो तो आई मानो, तो वो क्या निकलेगा, यदि मैं मानता हूँ कल अपन ने क्या माना था, आई एल ही माना था, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, मान लो कि ये क्या है, आई एल है। आई एल होने के बाद देखो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे आई एल निकालना चाहूँ तो आई एल निकालने के लिए क्या करूँ, ये किस सर्किट की बात करें, थेवेनिन, थेवेनिन सर्किट का एक बार सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर क्या करेंगे उसको नॉर्टन में कन्वर्ट करेंगे। तो आई एल इज इक्वल टू तो क्या होगा जाएगा, देखो यहाँ पे करंट डिवाइडेशन लगाते हैं तो इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा, यानी जेड ई क्यू अपॉन में जेड ई क्यू प्लस का
क्या हो जाएगा, जेड एल, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास जब करंट डिवाइडेशन है तो साथ में क्या आ जाएगा अपने पास, यदि आई एल निकाल दे तो जेड ई क्यू अपॉन में जेड ई क्यू प्लस जेड एल, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास आई ई क्यू आना चाहिए, आई ई क्यू आएगा या ई क्यू आएगा बताओ, क्या आना चाहिए अपने पास ई क्यू, यानी सॉरी अपन ने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी ये अपन ने मिस्टेक कर दी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए अपने पास। देखो यदि यहाँ पे मैं मान लियो कि आई निकालना है, मान लिया कि ये आई निकालना है, तो आई तो सीधा ओम के नियम से निकल जाएगा, वी अपॉन में क्या आता है आर आता है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास वी, वी की जगह क्या है अपने पास ई क्यू अपॉन में जेड ई क्यू प्लस का जेड एल। तो देखो ये वाला तो अपना क्या आ जाएगा डायरेक्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद अपन क्या बात करेंगे कि अपने पास जो नॉर्टन प्रमेय कहती है, नॉर्टन प्रमेय क्या कहती है, नॉर्टन प्रमेय कहती है कि जो अपने पास सर्किट आता है, नॉर्टन प्रमेय के अनुसार देखो नॉर्टन प्रमेय क्या कहती है, नॉर्टन प्रमेय के अनुसार जो लोड होता है वो क्या करना है शॉर्ट करना है, यानी इसके जो ये वाले टर्मिनल होंगे ए और बी उसको क्या करना है शॉर्ट करना है, तो उसको शॉर्ट कर देता हूँ, यानी जेड एल कितना होना चाहिए अपना जीरो, यदि जेड एल जीरो होता है तो इसका करंट क्या आएगा, मान लेता हूँ कि यहाँ पे लोड के लिए बात कर रहे हैं तो मान लो कि ये क्या है लोड ही है, तो आई एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो आई ई क्यू अपॉन में जेड ई क्यू, तो ये जो लोड आएगा ये आई एल आएगा वही किसके इक्वल होगा अपना आई ई क्यू के, देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जीरो, इसको मैं लिख सकता हूँ कि आई ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई क्यू अपॉन में जेड ई क्यू हो जाएगा। अब यदि अपन को ई क्यू निकालना है तो क्या करोगे आप आई ई क्यू और जेड ई क्यू, तो एक फॉर्म तो ये आ जाएगी अपने पास, तो क्या किया सबसे पहले थेवेनिन सर्किट बनाया, थेवेनिन सर्किट से इसका करंट निकाल दिया ओम के नियम से, ओम के नियम से करंट निकाला तो ये क्या हो गया अपने पास वी अपॉन में आर, तो वी तो ई क्यू आ गया, आर क्या आ गया जेड ई क्यू प्लस का जेड एल। नॉर्टन प्रमेय क्या कहती है कि जो नॉर्टन प्रमेय कहती है अपने पास कि जेड एल यानी ये वाला क्या करना है शॉर्ट करना है, शॉर्ट करे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास जेड एल की वैल्यू जीरो, तो ये वाली टर्म बन जाएगी। अब अपन बात करते हैं जी नॉर्टन सर्किट बनाए, या नॉर्टन परिपथ बनाए, तो देखो नॉर्टन परिपथ कैसा बनेगा अपना, ये क्या होगा अपने पास आई ई क्यू हो गया, ये क्या हो गया अपने पास जेड एल हो गया, और ये क्या हो गया साथ में जेड ई क्यू हो गया, बॉक्स ही बना दो इसको, ये हो गया ठीक है, तो ये हो गया अपने पास जेड ई क्यू जेड एल और आई ई क्यू। अब यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ तो करंट कौन सी जा रही है अपनी आई ई क्यू, और यहाँ पे कौन सी जा रही है अपनी आई एल डैश, मान लो पहले आई एल निकाला है तो देखो इसके बेस पे भी अपन लिखे थे, अपन को क्या निकालना है अपन को आई एल डैश निकालना है जी, जो नॉर्टन परिपथ बना दिया अपन ने थेवेनिन से नॉर्टन तो बना दिया, अब इसका आई एल डैश क्या आएगा वो चीज देखनी है, तो आई एल डैश क्या आना चाहिए देखो, यदि आई एल डैश की बात करें तो आई एल डैश में यदि धारा विभाजन नियम लगाते तो धारा विभाजन नियम क्या कहता है, क्या कहता है धारा विभाजन नियम कि उसके जो ऑपोजिट वाला आएगा वो तो आएगा ऊपर, तो ऑपोजिट वाला कौन सा है जेड ई क्यू है, तो ये तो क्या आ जाएगा ऊपर जेड ई क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा जेड ई क्यू प्लस का जेड एल, तो ये आ जाएगा जेड ई क्यू प्लस का जेड एल, और साथ में क्या आ जाएगा इनटू देखो यहाँ पे आई ई क्यू की बात हो रही है तो ये क्या आ जाएगा अपने पास आई ई क्यू, तो देखो अपने पास आई ई क्यू की वैल्यू है इक्वेशन नंबर टू से, यानी यहाँ से अपन जानते हैं कि आई ई क्यू क्या है, ये वाली चीज है ई ई क्यू अपॉन में जेड ई क्यू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि आई एल डैश, आई एल डैश क्या आ जाएगा अपने पास ई ई क्यू अपॉन में जेड ई क्यू, तो इसकी क्या कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, तो जेड ई क्यू तो ऐसे का ऐसे अपने पास जेड ई क्यू प्लस का जेड एल आ जाएगा, और साथ में आई ई क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी ई ई क्यू अपॉन में जेड ई क्यू, तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई एल डैश इज इक्वल टू क्या आएगा देखो ई ई क्यू और जेड ई क्यू प्लस का जेड एल, यानी ये भी कौन सा करंट आ गया समीकरण नंबर दे देते तीन, देखो कौन कौन से अपने पास जो आई एल आया था, यानी जो थेवेनिन के सर्किट से आई एल आया था वही नॉर्टन के सर्किट से क्या आया आई एल डैश आया, तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन सेम है इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर थर्ड, तो मैं कह सकता हूँ कि समीकरण एक व तीन क्या है समीकरण एक व तीन से नॉर्टन धारा व थेवेनिन धारा, नॉर्टन धारा व थेवेनिन धारा का मान समान है, क्या है अपने पास दोनों की सेम वैल्यू, इसलिए क्या ये वैल्यू इक्वल है, तो ये अपना क्या हो जाएगी
नॉर्टन थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो नॉर्टन थ्योरम का अपने पास वो फॉर्मूला लगाया, वो कौन सा लगाया, सीधा सा, ये IL नॉर्टन से क्या निकालना होता है अपन को, IL निकालना होता है लोड में, तो वही IL निकल गया। तो IL किसके इक्वल आ गया, थेवेनिन के। तो ये वाला नॉर्टन करंट कहलाएगा, ये वाला थेवेनिन करंट कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, समीकरण 1 व 3 से क्या हो गया, नॉर्टन व थेवेनिन धारा का मान समान है। अब यदि मैं इसको उसमें प्रवेश्यता यानी एडमिटेंस में बदलू, यदि यानी इसको मैं जेड की फॉर्म में बदलना चाहूँ, इसी थ्योरम को जेड की फॉर्म में बदलने के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, IL' है, IL' इज इक्वल टू क्या है अपने पास, EEQ फॉर्म में ZEQ प्लस का ZL है। यदि मैं इसको किस में, बाएं की फॉर्म में यानी प्रवेश्यता की फॉर्म में लिखना चाहूँ, एडमिटेंस की फॉर्म में, तो प्रवेश्यता की फॉर्म में आप जानते हो कि ZEQ क्या होता है, तो ZEQ और उसको आप बना के लिख सकते हो, तो कैसे लिखोगे बताओ। तो IL तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो IL' आ गया, तो IL' से ये चीज तो आ गई थी अपने पास। अब अपन ने जो थ्योरम का जो फॉर्मूला देखा था नॉर्टन प्रमेय का, वो क्या था अपने पास, ये थ्योरम का फॉर्मूला देखा था यानी नॉर्टन थ्योरम क्या कहती है, नॉर्टन थ्योरम यही तो कहती है अपने पास, ये वाला किसका फॉर्मूला आ रहा है अपने पास, नॉर्टन का आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि किसको कन्वर्ट करना होगा, यदि प्रवेश्यता के रूप में, IL' इज इक्वल टू ZEQ अपॉन में ZEQ प्लस का ZL, और साथ में क्या आ जाएगा, IEQ आना चाहिए। तो देखो अपन को इसी को वाई के रूप में, इसका तो खैर यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, IL' इज इक्वल टू ZEQ अपॉन में ZEQ प्लस का ZL इंटू IEQ। यदि इसको मैं देखता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई के रूप में, तो वाई क्या होता है, वाई इज इक्वल टू 1/Z होता है, तो ZEQ तो क्या होगा अपने पास, 1/YEQ, और वाई ZL होगा वो क्या होगा, 1/YL। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, IL' इज इक्वल टू ZEQ, ZEQ क्या हो जाएगा, YEQ अपॉन में 1/YEQ प्लस का ZL, ZL क्या अपने पास, 1/YL, और साथ में क्या रह जाएगा, IEQ। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा अपने पास, देखो 1/YEQ तो ऐसे का ऐसे अपॉन में ये दोनों LCM आ जाएंगे, तो YL प्लस का YEQ, और साथ में क्या आएंगे, YEQ और YL, तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास जो टर्म आएगी वो क्या आएगी अपने पास, ये आएगी अपने पास IL' इज इक्वल टू, देखो ये वाला YL तो कहाँ आ जाएगा अपने पास, ऊपर आ जाएगा, तो ये रह जाएगा अपने पास YL, साथ में क्या रह जाएगा, YEQ प्लस का YL, और साथ में क्या रह जाएगा, IEQ। तो ये किस फॉर्म में हो जाएगी अपने पास, प्रवेश्यता की फॉर्म में। तो देख लो इम्पीडेंस में ध्यान रखना कि जब इम्पीडेंस की बात करें तो जेड इक्विवेलेंट ऊपर आता है, यहाँ पे क्या आ रहा है, लोड ऊपर आ रहा है, तो उसको ऊपर ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। तो यही आपके क्या है, नॉर्टन थ्योरम में। तो नॉर्टन थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, करना क्या है इसमें, यदि कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो नॉर्टन प्रमेय में करना क्या होगा आपको, उसका सर्किट बनाने के लिए अपन को IEQ की वैल्यू निकालनी होगी। सबसे पहले तो क्या निकालना होगा अपना, IEQ, दूसरा निकालना होगा अपना ZEQ। तो ZEQ तो आपको निकालना आता ही है, IEQ आज देख लेंगे। IEQ में करना क्या आपको, EEQ का आपने निकालना सीखा है, तो देखो ZEQ निकालना आता है, तो सीधा IEQ की जगह क्या काम में लेना है अपन को, ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है, यानी EEQ अपॉन में ZEQ, केवल ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। तो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्टन सर्किट आराम से बन जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अभी इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे तो आपको और पता लग जाएगा। तो बाकी इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं, तो यदि थेवेनिन थ्योरम आई हुई है समझ में तो ये भी अच्छे से आ जाएगी। देखो हमने नॉर्टन थ्योरम्स पढ़ ली थी, अब अपन बात करते हैं नॉर्टन परिपथ की। तो नॉर्टन परिपथ में क्या होगा अपने पास, देखो परिपथ में अपने पास ये वाला सर्किट डायग्राम है, जिसमें क्या है, 10 वोल्ट, 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम, यानी अपन जानते हैं कि ये वाला क्या होता है, Z1, Z2 और Z3 हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं ये वाला क्या अपने पास लोड है, तो लोड की वैल्यू देख लेते हैं कि लोड की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या, लोड की वैल्यू दे रखी है अपन को 16 ओम, तो ये हो जाएगा अपने पास इसकी वैल्यू कितनी है, 16 ओम। अब अपन को निकालना क्या है, सबसे पहले नॉर्टन परिपथ बनाना है, तो नॉर्टन परिपथ बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, एक तो IEQ चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, ZEQ चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो ZEQ निकालते हो, तो ZEQ आप अच्छे से निकालना जानते हो, और थेवेनिन में भी बताया था कि ZEQ का मान कैसे निकालते हैं। तो देखो ZEQ का मान कैसे निकालते हैं, वापस डायग्राम बना लेते हैं। ZEQ का मान निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं देखा, तो ZS हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा अपने पास जेड ई क्यू, यानी ये जेड ई क्यू निकालने के लिए क्या किया था अपन, इधर से इस साइड से चल रहे थे, यानी ये जेड वन जेड टू और जेड थ्री, ये कितना है 3 ओम है, ये 3 ओम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, और ये 3 ओम हो जाएगा। अब यदि इसके मान लेके देखो, दे जेड ई क्यू निकालने के लिए क्या वैल्यू लिखी थी अपन ने कल, यहाँ से चलेंगे तो ये जेड टू आ जाएगा, जब इधर चलेंगे तो ये क्या आएगा, देखो ये वाला इसके ये दोनों कैसे सीरीज में, तो अपन लिख सकते हैं कि जेड थ्री जेड वन प्लस का जेड एस, और नीचे क्या आता है जाएगा जेड थ्री प्लस जेड वन प्लस जेड एस, यही वाली वैल्यू थी। यदि ये वैल्यू रखती है तो ये क्या आ जाएगी अपने पास, देखो जेड ई क्यू का मान आ जाएगा अपने पास, जेड टू कितना है, जेड टू है 2 प्लस जेड थ्री कितना है, जेड थ्री है 3 3, जेड वन कितना है, जेड वन प्लस जेड एस, यानी ये तो कितना कुछ भी नहीं दे रखा, यानी 0, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस का 0 अपॉन में जेड थ्री जेड वन और जेड एस, यानी तीनों का ऐड करें तो 3 और 3 6, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 9 अपॉन में 6, यही होगा अपने पास, 3 3 9 और 3 और 3 6, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये 2 है, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 9 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 12 और 9 21, 21 अपॉन 6, तो 3 7 21 और 3 9 6, यानी ये तो कितना आ जाएगा अपने पास, जो जेड ई क्यू आएगा वो कितना आएगा, यानी जेड ई क्यू की मैं वैल्यू लिख लेता हूँ कि जेड ई क्यू कितना है अपने पास 7/2। अब अपन बात करते हैं कि अपन को निकालना क्या है ई ई क्यू, देखो सबसे पहले नॉर्टन के लिए तो क्या चाहिए अपन को, आई ई क्यू चाहिए, तो आई ई क्यू निकालने के लिए सबसे पहले आई ई क्यू का मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि आई ई क्यू क्या होता है अपने पास, ई ई क्यू अपॉन में जेड ई क्यू, ये वाली चीज होती है, तो ये वाला निकालना है, तो देखो ई ई क्यू निकालना आपने सीखा हुआ है, तो इसका ई क्यू निकालते हैं, तो ई क्यू निकालो तो वी क्या हो जाएगा अपने पास, ई क्यू का मान कैसे निकलेगा, ई क्यू में क्या करना था, सर्किट को खोलना था आगे से, ये कितना था 10 वोल्ट अपॉन में, ये क्या किया यहाँ से खोल दिया, मतलब कह सकते हैं कि जेड टू तो क्या हो गया अधूरा हो गया अपने पास, तो ये अपन ने कल भी देखा था कि ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 3 ओम है, ये 16 ओम है, ठीक है, जेड एल का तो काम नहीं। तो देखो अपन ने कल ये भी देखा था, क्या देखा था अपन ने कि अपने पास जैसे ई क्यू निकालना है, ई क्यू निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है अपन को, वोल्टेज निकालना है, पर देखो यहाँ पे जब ये खुला सर्किट है, खुला सर्किट है मतलब ये करंट आगे जा नहीं सकती, यानी ये वाला तो क्या हो गया मीनिंगलेस हो गया, जो करंट जाएगी कौन जाएगी यही से घूमेगी, तो इसकी ई क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी अपने पास, ई क्यू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या निकालना है अपन को, वोल्टेज निकालना है, तो वो वोल्टा विभाजन नियम लगा लो, यहाँ पे वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज के लिए जिस कवर निकालना है वो तो ऊपर आ जाएगा जेड थ्री अपॉन में क्या आ जाएगा जेड वन प्लस का जेड एस, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा अपना ई आ जाएगा, तो ई कितना है अपना यही 10 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू रखते हैं, तो देखो जेड थ्री तो 3 अपॉन में 3 प्लस 0 और इंटू क्या आ जाएगा ई कितना आ जाएगा अपना 10, तो ये हो जाएगा अपना 30/3, यानी इंटू कितना हो गया 10, तो जो ई क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई अपने पास 10, तो ये हो गया अपने पास कितना 10 ई क्यू वोल्ट। अब अपन बात करते हैं अपन को क्या क्या चाहिए, देखो आई ई क्यू आ गया, तो आई ई क्यू निकालने के लिए यदि आई ई क्यू की बात करें तो आई ई क्यू क्या होगा 10/7/2, यानी 2 तो ऊपर आ जाएगा, तो क्या रहेगा 20/7 एम्पियर। अब देखो अपने पास आई ई क्यू भी आ गया और जेड ई क्यू भी आ गया, अब यदि अपन को नॉर्टन परिपथ बनाना है तो नॉर्टन परिपथ कैसे बनाए, वही नॉर्टन परिपथ क्या हो जाएगा, ये अपना जेड ई क्यू, ये क्या हो गया अपना आई ई क्यू, और ये क्या हो गया अपना जेड एल, यानी लोड पे निकालना है, तो लोड का इसका फॉर्मूला अपन ने देखा था कि आई एल इज इक्वल टू किसके इक्वल आया था अपने पास, यदि जेड ई क्यू अपॉन में जेड ई क्यू प्लस का जेड एल और साथ में क्या आया था आई ई क्यू, तो ये वाली वैल्यू आई थी, तो देखो यहाँ पे आई एल निकालना है, तो आई एल कैसे निकलेगा, जेड ई क्यू अपन को पता है जेड ई क्यू कितना है अपने पास 7/2, तो ये तो हो गया 7/2 अपॉन में जेड ई क्यू 7/2, तो 7/2 प्लस जेड एल कितना है अपने पास 16 है, तो जेड एल कितना हो जाएगा 16 इंटू, आई ई क्यू कितना आया अपने पास, आई ई क्यू आया 20/7, तो इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है, तो देखो 7/2 7 प्लस 32 अपॉन में 2 इंटू 20/7, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा,
तो ये रह जाएगा अपने पास 7 32 और 39, कितना रहेगा 39 इंटू क्या रह जाएगा 20, 20 अपॉन में क्या है 7 है तो ये हो जाएगा 7, तो 7 से 7 कट जाएगा तो ये क्या रहेगा अपने पास 20 अपॉन 39, यानी जो IL आएगा वो कितना आएगा अपने पास 20 अपॉन 39। यदि कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं कटे तो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा अपना ही नॉर्टन परिपथ, तो ये वाला क्या बन जाएगा नॉर्टन सर्किट बन जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगी। और ये सबसे इजी से इजी मेथड आप लगाते हो नॉर्टन में तो यही मेथड है, बाकी तो आप ओम के नियम से भी लगा सकते हो और भी किसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो करना क्या है नॉर्टन में, सबसे पहले अपन को जरूरत होती है नॉर्टन के लिए एक तो जेड ई क्यू, तो जेड ई क्यू मैंने बता रखा है कल ही थेवेनिन में ही बता दिया था कि जेड ई क्यू कैसे निकालते हैं। जेड ई क्यू निकालने के लिए ये सर्किट क्या कर देते हैं अपन, यहाँ से जेड ई क्यू लगाते हैं, यानी सर्किट को यहाँ से क्या करते हैं जेड एल हटा देते हैं। जेड एल हटाने के बाद जेड ई क्यू हो गया दोनों टर्मिनल के मध्य, तो अपन इधर से देखते हैं, तो इधर से देखेंगे तो ये जेड टू आ जाएगा, ये दोनों ये एड हो जाएंगे, और ये कैसे सीरीज में, ये दोनों सीरीज में ये पैरेलल में, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा अपने पास। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व किया तो ये आएगा। अब जो थे नॉर्टन परिपथ में किया तो ये वाला आ जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। बाकी आपको और एक जो आपको नोट्स पीछे प्रोवाइड होंगे उसमें एक आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखा है जेड एस इज इक्वल टू 1 ओम भी दे रखा है। तो उसमें जहाँ जहाँ जेड एस आ रहा है वहाँ पे क्या करना है आपको 1 करना। तो यहाँ पे तो मैंने क्या किया जेड एस की वैल्यू 0 मानी क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध नहीं दे रखा था, यदि दे रखा होता तो जेड एस की भी क्या आती इसमें वैल्यू आती, तो यही क्या हो जाएगा अपना नॉर्टन परिपथ हो जाएगा। तो ये हो गई अपनी न्यूटन प्रमेय, अपन ने थ्योरम्स भी पढ़ ली और ये क्या पढ़ लिया अपन ने इसका न्यूमेरिकल भी पढ़ लिया। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। अब अपन मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई थ्योरम के साथ।